अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, आई होप यू ऑल वेल एंड गुड। आज है जुम्मे का दिन, जुम्मा मैं पढ़ा हूँ। आज दो तीन काम करने हैं। एक वीडियो आएगी जिस वीडियो मैंने अपनी बाइक की कंप्लीट रिस्टोरेशन की हुई है, उसमें मैंने करवाए थे शॉक्स भी चेंज, लेकिन नए ही शॉक्स डलवाए थे, लेकिन अब वो हो चुके हैं लीक। उस कंपनी का मैं नाम नहीं लूँगा जिस कंपनी का मैंने डलवाए थे। तो अब आज के ब्लॉग में हमने करवाने हैं शॉक क्लेम में और उसकी जगह नए शॉक लगवाने हैं। अच्छा जी, तो ये खड़ी है मेरी बाइक, ठीक है। ये इसके फ्रंट शॉक्स हैं और ये देखें कि सारा यहाँ से इसका ऑयल लीक हो गया, सारा लीक कर गया, और ये नीचे रिम पे भी गिर रहा है, इधर भी ऑयल गिर रहा है, सारा ऑयली ऑयल कर दिया वैसे ने। अब चलते हैं करवाते हैं चेंज इसके शॉक्स। तो जी ये हैं जी नए शॉक्स। तो जी हम दुकान पे आ चुके हैं, काम स्टार्ट हो गया बाइक का, शॉक खोल रहे हैं फ्रंट इसके। ये जी नए शॉक डाल रहे हैं, पुराने ये बाहर आ चुके हैं। पुरानों में से ये देखिए कितना ऑयल लीक किया हुआ है इसने, ये भी नए लगवाए थे, अंदर से भी सारा ऑयल लीक हुआ हुआ, इधर से भी ऑयल लीक कर गया। ये वाला शॉक बच गया, ये भी थोड़ा बहुत कर रहा था। ये हमारे नए शॉक फिट हो रहे हैं। Keep the same energy. Work on being better when I'm 70. Your drip is just a water spring. You know I drip different, just the seven seas. I deal with life different, make that lemon squeeze. अभी मैं आया हूँ सर्विस स्टेशन बाइक धुलवाने, क्योंकि जो पिछले शॉक का ऑयल था वो रिम पे काफ़ी बुरा लग रहा था, बाइक वैसे भी गंदी थी। ईद वाले दिन, चांद रात वाले दिन की धुली हुई थी, तो अब इसको धुलवाते हैं। प्लग इसका मैंने ये उतार लिया ताकि इसमें पानी ना चल रहा जाए, इस वजह से वो थोड़ा अजीब सा लग रहा है जी। यहाँ पे ऑटो शो हो रहा है, रिक्शो में चेक करें आप लोग, पूरे पूरे रिक्शे खड़े हैं इधर, हाँ जी वो रावी भी खड़े हैं दो। अच्छा तो जी हमने बाइक करवा ली है वॉश, ठीक है, लेकिन मसला ये है जो बाइक हमने वॉश करवाई है वो तीन दिन पहले का क्लिप है, मतलब इस वीडियो को पूरा तकरीबन हफ्ता होने लगा बनने में। आज जो मसला ये है, बाइक थोड़ी सी फिर गंदी हो चुकी हुई है, हमने क्या करना है उसकी ना फ्रंट जो ब्रेक की केबल है ना उसके, आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आप लोगों को समझ आ जाएगी। 1988 से 2005 तक फ्रंट हब उसमें कहते हैं जिसमें आपके फ्रंट ब्रेक शू डलते हैं, ठीक है, वो आती है छोटी, इधर मैं फोटो मेंशन कर दूंगा छोटी। और 2005 से जो अगली हब आई है ना वो आई है बहुत बड़ी, उसमें लगता है बड़ा ब्रेक शू, उसकी केबल भी चेंज है, उसके और भी काफ़ी चीज़ें चेंज है, ठीक है। तो जो अब मेरा बाइक है 96 मॉडल, तो इसमें लगी हुई है छोटी हब। छोटी हब का मसला ये, इसकी ना फ्रंट केबल नहीं मिलती होती ब्रेक की, तो इसमें लगानी पड़ती 70 की केबल। तो 70 की जब केबल लगवाओ तो वो ना ब्रेक दबाओ तो वापस उसका लीवर नहीं जाता अपनी जगह पे, तो उसमें आपको रखने पड़ते हैं अंदर स्प्रिंग। तो उस बंदे ने जिससे मैंने केबल चेंज करवाई है उसने स्प्रिंग नहीं रखे, ठीक है, और ब्रेक अब वापस नहीं जाती। तो अब हमने उस काम को हल करना, कोई इतना मुश्किल काम नहीं, मैं खुद भी कर लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आपको आना चाहिए ना, अब इतनी इतनी चीज़ से आप मकैनिक के पास थोड़ी जाएंगे। बात तो समझ आ गई होगी, अब चलते हैं टूल्स पकड़ते हैं और पहुँचते हैं अपनी बाइक के पास। तो यार ये सामान चाहिए आपको, एक पेचकस, प्लास और ये दो स्प्रिंग जो उसके अंदर हमने लगाने हैं, और ये दो चाबी, एक 10 नंबर और एक 12 और 13 की, ठीक है भाई का। और ये इसकी फ्रंट हब है, ठीक है, हमने ये स्प्रिंग लगाने इधर ऐसे ताकि ये फौरन वापस आए। सबसे पहले हम खोलते हैं ये ताकि ये आगे को आ जाए, और पीछे हम ऐसे करके दोनों ये स्प्रिंग लगा देंगे। अच्छा तो जी हम खोलते हैं इसको, ये इतनी लूज है कि हम हाथ से ही खोल सकते हैं, तो आप लोग टाइम लैप्स एंजॉय करें।
energy. Work on being better when I'm 70. मैंने लगा दिए स्प्रिंग, ये देखें एक से सही काम नहीं चल रहा था, मैंने दोनों ही लगा दिए, जैसे मर्जी लगे। अब ब्रेक काफी बेहतर है, मैं आपको दिखाता हूँ अब ठीक होगी ब्रेक, ये देखें। अब हमने इसका ये लॉक भी टाइट करना है जो यहाँ से लूज हुआ हुआ है, ये हिल रहा है। ये दो पेच हैं एल की से हो जाएंगे टाइट, ये इनको भी फटाफट काम खत्म करते हैं। ये जी आपके भाई ने यहाँ पे अपनी सारी बाइक की चाबियाँ छुपाई हुई थी, उनमें एल की भी रखी थी क्योंकि इतनी छोटी है गुम गई तो दोबारा नहीं मिलनी। ये रही एल की, इसको लगाएंगे इधर और यहाँ से इसको करेंगे टाइट, ठीक है। ये जी हमने लॉक भी फुल टाइट कर लिया हुए, देखें ये अब कहीं नहीं जाएगा, लेगा ही नहीं। चलो अब इसको करते हैं फटाफट से साफ, क्योंकि चेक करें कितनी गंदी होगी, वैसे नहीं गंदी, सिर्फ कपड़े साफ होने वाली है। सो गाइस हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं जरा इसका थंबनेल बनाने, जो हमने शॉप चेंज करवाए थे, क्योंकि मुझे ना लग रहा है मेरे थंबनेल ना कोई इतने अच्छे खास नहीं होते, तो आप इधर बनाते इसका थंबनेल। कल मैंने बाइक साफ की थी वो थोड़ी बहुत, आज फिर गंदी हो गई है। तो आज आपके लिए वीडियो पे एंड पे एक बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ भी है, तो बनाते हैं थंबनेल फिर आपको दिखाते हैं। फिलहाल जी ये हमारी बाइक खड़ी है, देख सकते हैं आप लोग, साफ सुथरी है। और ये हम हमदा भाई खड़े हैं शॉक्स ले गए, क्योंकि शॉक जो हमने चेंज करवाया उसका थंबनेल। तो भाई थंबनेल वगैरह सब कुछ क्लियर हो चुका है, तो अब मैं आपको बताता हूँ बैड न्यूज़ क्या है, पहले आप उस बैड न्यूज़ को देख लें। मेरी बाइक का इंजन है ठीक है, और ये अब आप आवाज़ सुने, भाई आप लोगों ने आवाज़ सुन ली होगी। और ये जो आवाज़ है ये है इसके कनेक्टिंग रोड की, इसका कनेक्टिंग रोड नो मोर विद अस वाला हिसाब हो गया, इसका हिसाब क्या हो ही गया, और इसकी क्लच प्लेट भी नहीं। अब इंशाल्लाह जो इसके बाद जो आएंगे ना दो व्लॉग, तो भाई इसके बाद जो वीडियोज आएंगी दो आएंगी, वो हैं सर्दियों की, इस पुराना व्लॉग है 2-3 महीने पुराना जब मैंने बाइक ये रिस्टोर की थी। आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि एकदम से गर्मियों में सर्दियों का व्लॉग कहाँ से आ गया, क्योंकि वो फाइल्स करप्ट हो चुकी थी बीच में, क्योंकि मैंने फ़ोन चेंज किया और उसमें आपको पता लग जाएगा बाइक का क्या क्या कितना काम हुआ। अब इसके जो बाद उन वीडियोस के बाद इंशाल्लाह वीडियो आएगी इसके इंजन के काम की, फिर आपको वो भी दिखाएंगे। तो जी यहाँ भी करते हैं व्लॉग को एंड, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इंस्टा पर मुझे फॉलो कर लें हुसैन27, और मेरी डाउन टू अर्थ टीम का भी आ रहा होगा नीचे, और ये हमजा भाई का भी जो मुझे पीछे से मुसलसल इशारे कर रहे थे, मेरा भी, इनका भी मैं आपको इंस्टा कर दूंगा। तो उम्मीद करते हैं व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, तो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। I got his band like I'm Barry Bonds. Running through the money, but the money's long. I don't love it, but I need to keep it coming on. Only friendly me and